क्वेश्चन नंबर 22, सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो क्या बता रहा है आपको ये? सेविंग कर्व, तो सेविंग कर्व कहां इंटरसेप्ट करता है? डिस सेविंग्स, तो इनडायरेक्टली आपको क्या बताया, डिस सेविंग्स है आप उसको माइनस 40 ले लो या माइनस सी बार इज 40 करोड़, तो सी बार क्या हो जाएगा 40 करोड़, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है 40 करोड़, इसमें कोई डाउट? नो सर। पहली चीज, इफ कंज्यूमर स्पेंड्स 60% ऑफ एडिशनल इनकम, तो ये क्या गिवन है हमें तान्या? सर डेल्टा वाई, कंज्यूमर स्पेंड्स 60% ऑफ एडिशनल इनकम, सर डेल्टा सी, वेरी क्लोज। कोई और बताना चाहेगा? सर एमपीसी, एमपीसी गिवन था बेटा, एमपीसी इज 0.6। ओके यस सर। अब क्या हुआ, डिटरमिन सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन एंड ब्रेक इवन पॉइंट, सेम है, सी बार है, एमपीसी है, एमपीसी 0.6 है, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 0.4। क्वेश्चन खत्म। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार इज 40 प्लस 0.6 वाई, सेविंग माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार इज माइनस 40 प्लस 0.4 वाई, कोई भी डाउट? नो सर। एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये हो गया आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई और s इज इक्वल टू जीरो, कुछ भी ले लो, c इज इक्वल टू y, तो आप s को जीरो पुट कर दो, तो जीरो s इज इक्वल टू माइनस 40 और जीरो इज इक्वल टू माइनस 40 ब्रेक इवन पॉइंट 100 करोड़, कोई भी डाउट? दूसरा, आप सी इक्वल टू वाई, तो उसमें आप ये लिख देते हैं कि सी इज दिस, तो सी की जगह वाई पुट कर दो, तो वाई इक्वेट हो जाएगा, कह रहे तान्या? क्वेश्चन 22, यस सर।